घर मिलेगा, गरीब हिंदुओं को जब उनको घर मिलेगा और जो भूमि विहीन है उन्हें रहने के लिए जब हम मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग का निर्माण करेंगे, एक बड़ा परिवर्तन इस बिहार में होने वाला है। आने वाले द्वितीय वर्ष में ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। मित्रों, जिस समाज के बीच में आज हम संबोधित कर रहे हैं, यह समाज हमेशा अपने देश के विकास के लिए, अपने राज्य के विकास के लिए हमेशा समर्पित समाज रहा है। आप हमेशा जात से जमात की ओर चले हैं और हमेशा समाज की सेवा की है। चाहे आपदा का क्षण हो, चाहे कोई विद्यालय की स्थापना हो, चाहे धर्मशाला की स्थापना हो, या समाज हमेशा से अग्रणी होकर इन सारी चीजों को करने का काम किया है। इसके लिए हम अपने समाज के लोगों को हृदय से बधाई देते हैं। और अंत में एक आग्रह आपसे जरूर करने के लिए आज यहाँ उपस्थित हुए कि जो आपकी राजनीतिक हिस्सेदारी है उसके लिए आपको आगे आना पड़ेगा। जब तक स्थानीय निकायों के चुनाव में आपकी सहभागिता सुनिश्चित नहीं हुई तब तक आपको अपनी हिस्सेदारी नहीं मिल पाई। इसलिए आपसे आग्रह है, उसमें कोई दलीय व्यवस्था भी नहीं है, दलीय व्यवस्था के ऊपर उठकर स्थानीय जो हमारे चुनाव है, चाहे वो पंचायत इलाज का चुनाव हो या ग्राम शहरी क्षेत्र का चुनाव हो, आप उसमें भाग लें और अपना अपनी हिस्सेदारी को पाने के लिए आप जीत कर जाए और समाज की सेवा करें। और कहा भी गया है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जाग होती है। पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसलों में उड़ान होती है। इसलिए आप पूरे हौसले के साथ अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए जो देश के प्रति, राज्य के प्रति आपकी जवाबदेही है, उन दायित्वों का निर्वहन करते हुए आप खास करके जो पंचायती राज सरकार है, नगर सरकार है, उसमें अपनी भूमिका सुनिश्चित करेंगे तो आप ज्यादा सेवा कर पाए। क्योंकि आप ऐसे तबके से आते हैं जिन्होंने हमेशा अपने गांव की, अपने शहर की, अपने राज्य की सेवा की है। जब भी कोई प्राकृतिक आपदा होती है आप वहां अपनी ओर से पूरी व्यवस्था करके उसकी सेवा करते हैं। यह सेवा जब आप अलग अलग स्थानीय निकायों में छूट कर जाएंगे तो आपका जो यह संस्कार है और जो अभ्यास है वो उस स्तर पर भी, उस प्लेटफॉर्म से भी आपको सेवा करने में आपको एक बड़ी ताकत दे। आप राज्य के विभिन्न जिलों से आज यहाँ उपस्थित हुए, हम सब आपका अभिनंदन करते हैं, आपको नमस्कार करते हैं। आपके बीच से हम आज मुख्यमंत्री के रूप में है, लेकिन पूरे राज्य की जवाबदेही और पूरे राज्य की जवाबदेही का भी एहसास है। बिहार के हर व्यक्ति की सेवा हम कैसे बेहतर ढंग से करें, इसकी एक बड़ी जवाबदेही है। और इस जवाबदेही का एहसास इसलिए है, हम आपके बीच से आए हैं और इसलिए एहसास है कि हमारा परिवार, हमारा समाज हमेशा समाज के लिए आगे बढ़कर काम किया है। इसलिए हम भी चाहते हैं कि हम आपके बीच से जब आए हैं तो हम इस तरह से राज्य की सेवा करें कि आपका सिर नीचा नहीं हो। आपने देखा होगा कि हाल में हमने बिहार का बजट को पेश किया है और उस बजट में 6 सूत्री जो हमारे कार्यक्रम है, जो आधारभूत संरचनाएं हमारे राज्य की, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आधारभूत संरचना का विकास, उद्योग और समाज कल्याण से जुड़े जितने भी कार्यक्रम हैं, उनको सबके बीच लागू करना, ये 6 सूत्री कार्यक्रम पर हमारा पूरा बजट आधारित है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में सरकार के कार्यक्रमों में आप अपनी भूमिका को सुनिश्चित करेंगे। आप जब तक कि समाज का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक सरकार का कोई भी कार्यक्रम जमीन पर नहीं उतर सकता। और आप समाज के अग्रणी हैं, आप जहां भी रहते हैं आपकी एक विशेष पहचान रहती है। इसलिए हमारा सही आग्रह है और आपने हमेशा राष्ट्रवादी ताकत को मजबूत किया है,
जिसने देश की सेवा के लिए अपना प्राण निछावर किया है, जिसने देश की सेवा के लिए सर्वस्व समर्पित किया है, ऐसे राजनीतिक ताकत को आपने हमेशा समर्थन दिया है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में राष्ट्रवादी ताकत को आप मजबूत करेंगे, हम आने वाले दिनों में और बेहतर बिहार और बेहतर भारत बनाने का काम करेंगे। इन्हीं दर्शकों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।